हेलो फ्रेंड्स, जीडीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्शन कमीशन विच इज अंडर आर्टिकल 3-4 और हमारे क्वेश्चन कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 15। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म्स चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। एक पॉइंट और है, निर्वाचन आयोग की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, 25 जनवरी 1951 को, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 1951 to 1952 में पहला क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, यानी फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेट देख सकते हो, इलेक्शन चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसमें अदर जजेस आते हैं, और दूसरा कौन सा था, इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी का जो टेन्यूर होता है क्या होगा, 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी इसमें से पहले क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। एसी का यानी इलेक्शन कमीशन का क्या होता है, टेन्यूर 6 ईयर या फिर 62 ईयर्स, जो भी इसमें से पहले क्या हो, समाप्त हो जाए। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मैंने पहले आपको बता दिया है। टेन्यूर यानी कार्यकाल की बात करें, यही सेम बात है, 6 ईयर या 65 ईयर। सीईसी, इसमें जो भी पहले क्या हो, समाप्त हो जाए। सेम ईसी यानी इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन के लिए क्या होता है, 6 ईयर या फिर 62 ईयर की आयु, जो भी इसमें से पहले क्या हो जाए, पूरा हो जाए। लास्ट पॉइंट क्या है, सीईसी यानी चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ईसी इलेक्शन कमीशनर की जो वेतन होती है, सैलरी होती है, वो कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरी के बराबर होती है, अप्रोक्स 90,000। एक नोट और है, फर्स्ट सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में 23rd जो है हमारे इलेक्शन कमीशन कौन है, सुनील अरोड़ा, और ईसी कौन है, अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। और एक लास्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट फीमेल जो है, एकमात्र जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है, वो कौन है, बीएस रमा देवी। अब इसी में हम शासन में ईवीएम के बारे में भी हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी फुल फॉर्म है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया टुक प्लेस इन द फॉर्मेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला परूर, यानी भारत में सबसे पहली बार केरल के परूर जिले में क्या हुई थी, ईवीएम्स का यूज हुआ था 1982 में। सेकंड पॉइंट क्या है, 2004 में पहली बार संपूर्ण भारत में ईवीएम का प्रयोग हुआ था, यानी पूरे अक्रॉस इंडिया में 2004 में क्या हुआ था, ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था। संपूर्ण चुनाव यानी होल जो चुनाव है, यानी वो इलेक्शन है, ईवीएम से करवाने वाला पहला राज्य कौन सा था, गोवा था 1999 में। अब इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मेन 5 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बता देता हूँ। मतदान सूचियों को तैयार करना, यानी लिस्ट ऑफ वोटर्स की क्या करना, बनाना। सेकेंड पॉइंट क्या है, ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, यानी विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। थर्ड पॉइंट क्या है, राजनीतिक दलों को आरक्षित यानी चिन्ह चुनाव या क्षेत्र प्रदान करना, प्रोवाइडिंग रिजर्व मार्क टू पॉलिटिकल पार्टीज एरियाज ऑफ इलेक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या है, चुनाव करवाना है, चुनाव करवाने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का ही होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, यानी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।